आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे सात गांठ वाली मोरी, वह कैसे बनती है। उसके लिए सबसे पहले हमने एक रस्सी लेनी होती है। इस रस्सी की लंबाई करीब करीब 35 फीट होनी जरूरी है इसके अंदर, जिसमें फुल साइज की मोरी बन जाएगी, कुट्टा के बनने के लिए भी और ऊपर के लिए भी। उसमें हमने ली है ये रस्सी है, इसकी लंबाई थोड़ी कम है, 30 फुट होनी चाहिए, यानी 30 फुट है करीब। और इसकी मोटाई जिसको हम साधारण से बोलते हैं 16 तार, यानी 8 एमएम के लगभग होती है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके दोनों सिरे मिलाएंगे ऐसे, और ये सिरे मिलाकर यहाँ हम इसकी गांठ लगा देंगे, जो ये गर्दन के ऊपर आएगी ये वो गांठ है। उसके बाद हमने पहली गांठ करीब 1 फीट रस्सी छोड़ के, यानी आम हम लगाते हैं 1.5 फीट पर इतनी लंबाई, इसमें हमने थोड़ी कम लेनी पड़ेगी, यानी 1 फीट काफ़ी आगे, ताकि 3 गांठ इस 5 इंच में आ जाएंगी। तो ये कैसे बनेगी ये बताता हूँ आपको। हमने 1 फीट रस्सी छोड़कर यहाँ गांठ लगाएंगे पहली, इस तरह से गांठ लगेगी ये, और इसकी लंबाई भी 1 फीट से कम नहीं हो, ऐसे हम इसको जमीन के ऊपर रख के ऐसे भी बना सकते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से हम यहाँ हाथ रखेंगे और ये वाली रस्सी इसके ऊपर से ऐसे चली जाएगी, दोनों के बीच से ऐसे। उसके बाद ये वाली रस्सी है, इसको हम इसके ऊपर से इस तरह ले जाएंगे, और जो तीसरे वाली है इसको इस होल के अंदर से निकालेंगे इस तरह से। ये पहली गांठ लग गई हमारी। अगर गांठ के अंदर ये कम ज्यादा लग जाती है तो हम इसको बाद में लंबाई बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं यहां से। अब दोबारा यहां गांठ लगेगी इस जगह पर, इसको हम उल्ट लेते हैं इस तरह से। और जो अगली गांठ लगेगी इसमें इसी तरह लगानी है, इस साइड वाली रस्सी को, यानी अपने खुद की साइड जितनी लंबाई इसकी है इतनी लंबाई इसकी लेनी पड़ेगी, ताकि ये गांठ लगने के बाद में ये भी इसी साइड चली जाएगी, दो हो जाएंगे। अब ये गांठ लगाते हैं, पहले हम इसको लेकर आते हैं इधर से, फिर ये लंबे वाली को इनके ऊपर से ऐसे, फिर ये छोटे वाली है इसको जो यहां होल बचा हुआ है इसके अंदर से निकालनी है। ये दोनों एक ही दिशा में आ गई, जिस तरह से ये इसका साइज छोटा है इसका लंबा है, तो हम इसको बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए इस साइड वाली रस्सी हमने ये निकालनी है थोड़ी सी आगे की तरफ, और ये नीचे से यहाँ आ जाएगी और इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी ऐसे। जितनी बड़ी या छोटी करनी है हम इस वाली रस्सी को आगे की तरफ निकाल देंगे, दोनों सेम हो गए। इनके बाद फिर वापसी इसी तरह लेंगे,
दो गांठ हो गई, अब तीसरी गांठ फिर लगानी है। फिर निकाल लेंगे एक साइड की, जो ये गांठ लगी थी दूसरे वाली, इसी तरह ये तीसरे वाली लगेगी। हमने ये इसके ऊपर से, और जो ये लंबे वाली है या इनके ऊपर से इस तरह से, और अब छोटे वाली बची है वही होल बचाया, इसके अंदर को ये गुजार देंगे। अब ये तीन रस्सी एक दिशा में आ गई, ऐसे लगेंगे तीन गांठ। फिर हमने वापसी करना है इसी तरह से, अब बनाना है इसका नीचे का, जो पशु का मुंह आएगा वो जगह ये होगी, और यहाँ गांठ लग के तीनों ये आगे की तरफ जाएगी, यानी जैसे ये कंगड़ा बने उसी तरह हो जाएगा। तो इसकी हमने लंबाई बढ़ानी है, लंबाई भी इतनी ले हो जिस तरह से यहाँ गांठ लगेगी, जितनी लंबाई इसकी है इतनी इसकी होगी, और आगे जो कंडड़ा होगा उसकी भी इसके बराबर होगी, और बीच में जो गांठ लगेंगी उनमें रस्सी ज़्यादा जाएगी। इस गांठों के लिए हमने करीब 5-6 इंच और बड़ी लेनी होती है, ताकि बीच में यहाँ गांठ आएंगी वहाँ भी घटेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ गांठ लगाएंगे इस जगह पर, और ये ध्यान रखना होता है जितनी भी गांठ लगेंगी सभी पहले हमने हमारी साइड वाली लेनी पड़ेगी। इन तीनों में भी इसी तरह लिए तो यहाँ भी इसी साइड वाली लेंगे, जो कि ये तो जाएगी नीचे बंधने के लिए, और गर्दन के लिए इस साइड वाली आएगी। जो ये इसके साथ नाप लिया था वो ये होगा, यानी इससे 5-6 इंच ज़्यादा करेंगे। इस तरह से निकालेंगे या ज्वाइंट आएगा ये। तीन साइड होगी, जो ये गांठ लगे उसी तरह ये लगेगी। पहले यहाँ उंगली रख लेते, इस साइड में निकाल देंगे इसको, उसके बाद हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। ये इनके ऊपर के इस तरह से आ जाएगी, और ये वाली है यहां से निकाल लेंगे। ये लगी हमारी चौथी गांठ, जो कि गर्दन के नीचे आएगी। वो अब ये वाली गांठ लगेंगी, ये इस साइड जाएगी इस तरह से। ये नीचे जो खूंटे के या कड़े के बंधाई करेंगे, ये वो रस्सी है। तो फिर हमने उल्ट या नीचे ऊंचे करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से लगेंगी ये। पहले ये लग जाएगी यहाँ इसके ऊपर को रखेंगे, फिर इसे नीचे से ये अंदर की साइड निकाल लेंगे, और फिर इस होल के अंदर से आगे की तरफ निकाल देंगे।
ये पशु का मुख आएगा वो जगह ये तैयार हो। उसके बाद हमने अगले वाली गांठ लगानी है, जैसे ये लगी है उसी तरह ये लगेगी, यानी ये नीचे से इसको ऊपर से आएगी और फिर यहाँ से अंदर की साइड निकाल लेंगे। पहले वाली की तरह ये अगली गांठ लगी, यानी तीन गांठ ये होगी, चौथी ये है, पांचवी ये, छठी ये और सातवीं गांठ ये फिर लगेगी। जैसे ये लगी उसी तरह फिर इसको लगाना हमने। इस तरह से तीन गांठ ये, तीन ये, छह और सातवीं गांठ ये, इसको हम सात गठान वाली बोलते हैं। ऐसे मोरी तैयार होती है। इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है और ये हमारी मोरी कंप्लीट बनके तैयार है। ये तीनों रस्सी ऊपर वाली यानी डबल, ये भी डबल और नीचे वाली डबल, यानी छह रस्सी हो जाएंगी, नाक के ऊपर से आएंगे इस तरह से, ताकि नाक पर किसी प्रकार की कटाई भी नहीं करेंगी और पशु को दिखने में सुंदर भी दिखाएंगी।